की दूर हो जाए अभी। क्यों? क्योंकि उन पर किसी ने जादू कर दिया और वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज दूर हो जाइए। तुम क्या मजाक कर रहा है विवान? मैं फोन रख रही हूँ। करुणा जी देखिए ये मजाक नहीं है, विवान सच कह रहा है। आप एक काम करिए, जमीन पर देखिए, आपको वहाँ पर अपनी और दादाजी की परछाई दिखाई देगी, लेकिन गिर पड़े जी की परछाई नहीं होगी। क्या हुआ करुणा? विवान क्या कह रहा है? हाँ पापा जी, गिर पड़े जी की परछाई नहीं दिख रही है। देखिए घबराइए मत करुणा जी, अब गिर पड़े जी के पास एक सेकंड में मत रुकिए, दूर हो जाइए। ये लोग सड़क से दूर क्यों भाग रहे हैं? रुकिए दादाजी, करुणा जी, पुलिस तो आपके सुरक्षा के लिए बनी है, आप लोग ऐसे डर के भागेंगे तो ये बात गलत है ना? मुझे जल्द से जल्द इन्हें कान लोग भेजना होगा। चलो विमान। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे गिर पड़े जी ये क्या कर रहे हैं? शांताराम छोड़ो हमें जाने दो। लिफ्ट दे रहा हूँ आपको धरती लोग से डायरेक्ट कार लोक की लिफ्ट। चलिए विवान, तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है बाटर। मेरी जादुई शक्तियां उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? पापा जी! आप ऐसे क्यों कर रहे हैं गिर पड़ी जी? क्यों? करुणा जी, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मुझे करने को कहा गया है। अब आई है बालवीर और विवान की जान हमारी मुट्ठी में। पाटर को पता चला? नहीं, चलो उधर देखते हैं। चलो पाटर। ये तो मम्मी का पोस्टर और ये दादाजी का जूता और मम्मी का मोबाइल। इसका मतलब दादाजी और करुणा जी को यहीं से गायब किया गया है।
बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने आने में, लेकिन इस समय हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। तभी तो भारत नगर वालों का बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले कि कालोक वाले उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आया मुंडा आया। ये कौन सी जगह है पापा जी? ये हम कहाँ आ गए? हम तो होलसेल सब्जी मार्केट जा रहे थे, ये यहाँ कहाँ आ गए? करुणा जी, यहाँ तो पूरा भारत नगर आया हुआ है पापा जी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, ये होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बदला है महारानी का। बहुत सस्ते दामों में जाने वाली है तुम्हारी जान। मजा आ गया। भारत नगर के दोनों खास निवासी काल लोक में आ गए हैं। अब पालवीर क्या करेगा? कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पापा जी, ये क्या हो रहा है? पूरा के पूरा भारत नगर, मिश्रा जी, हम सपना तो नहीं देख रहे ना? पता नहीं क्या हो रहा, किसका बुरा साया है यार। बालवीर बचाओ, बालवीर, बालवीर हमें बचाओ, बालवीर, बालवीर, बालवीर हमें बचाओ। रानी, अब आगे क्या करना है तिमनासा? अब बस इंतजार करना है दोनों बालवीरों के यहाँ आने का, ताकि मैं उन दोनों की नजरों के सामने इन भारत नगर वासियों को मसल कर रख सकूं। इस सब में मेरी ही गलती है। पहले मैं अपनी माँ को कालपरी बनने से भी नहीं रोक पाया, और अब पूरा भारत नगर खतरे में। तुम ऐसा नहीं सोच सकते बालवीर, क्योंकि तिमनासा यही चाहती है, तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। हाँ बालवीर, हमें अभी अभी पता चला है कि भारत नगर से छेड़ा जी भी गायब हो गया है, पर ऐसे वक्त में हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ, और भारत नगर को केवल तुम बचा सकते हो बालवीर। हाँ पाठर, आप बालवीर हो और दुनिया को बचाने का आपने कमिटमेंट किया है, और बालवीर भी सलमान भाई की तरह एक बार तो कमिटमेंट कर दे ना, फिर वो खुद की भी नहीं सुन सकता। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तिमनासा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? अगला कदम उठाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही है। अगर हम भारत नगर के लोगों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है तिमनासा चौकन्नी हो जाए और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ बालवीर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत नगर के वासियों को कोई ऐसी जगह छुपा दे जहाँ हम उन्हें ढूंढ भी ना पाए। इसका मतलब हमें सबको एक साथ वापस लाना होगा, और उसके लिए हमें वही रास्ता चुनना होगा जहाँ से उसने सबको एक साथ गायब किया है। ओह, ओके। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तिमनासा ने भारत नगर के लोगों को इतने बड़े कालोक में किस जगह छुपाया है? गिर पड़े जी। परियो, आप सब भारत नगर के कोने कोने में फैल जाइए और पता लगाइए कि तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को ले जा रही है। तब तक मैं और विवान गिरपड़े जी को ढूंढते हैं। आपके आदेश अनुसार बहरानी, हम भारत नगर के काफी लोगों को लेके आए हैं, और भी लोगों को लेके आते हैं। शाबाश। बेमार, चलिए चले। तिमनास, तुमने गिरपड़े को धरती लोक में तो भेज दिया है, पर अब वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। गिरपड़े खतरा?
तोबा तोबा। अन्नी उंगली की कसम, ये गिर पड़े तो हमारा वो है गुलाम, फिर खतरा कैसे? कुछ भी बोल रही, क्योंकि बालवीर तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है जबदाली। अब तक तो उसे शक हो चुका होगा कि भारत नगर के जितने भी लोग गायब हो चुके हैं वो सारे लोग गायब होने से पहले गिरपड़ी के साथ ही थे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कालपरी, बालवीर शांत तो नहीं बैठेगा, तुम्हें धरती लोक पर जाना चाहिए। बालवीर उस विवान पर और उन परियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी योजना के बीच में उल्टा दाव चले। पाटर, आपके कहने पर मैंने सुपनी को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे आए, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। दीवान हमें बताओ, गिर पड़े अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजें? बताओ 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 ना गिर पड़े अंकल, बताओ जल्दी बताओ, बताओ ना अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? दीवान, दीवान क्या कर रहे हो ये? दीवान, गिर पड़े जी सिर्फ कठपुतली है, उनकी कोई गलती नहीं है, हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी बटर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया लेकिन सुखी और पद्मिनी को लेके भयमार छू मंतर हो गया। मस्ती परी, अभिमान के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिर पड़े से उगलवाता कि आखिर भैमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जाइए। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगल पाओगे इससे। चलो। चलो, हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। पर आके कंची खेल रहा है इसकी तो। विमान रुको, अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहां से आ गई? We'll be right back.
नहीं चलना चाहिए, जादू भी नहीं चल रहा। वो सोती है पद्मी नानी को लेकर जा रहा है। मस्ती भरी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं 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 विवान, अभी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा, इसलिए भैमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भैमार को पता चल गया तो तिमनासा को भी पता चल जाएगा, और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो, हमें गिर पड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा, ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं। या कौन था? अरे बालवीर, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? मैं तो पाटिल के साथ फोन पे बात कर रहा था। शीतल चाची का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। ये दो बातें अलग है। उठे आलो रे मी। अरे हो, लगता है किसी ने गिरपड़े जी के ऊपर से काल लोक का जादू हटा दिया है, और इसलिए गिरपड़े जी अब हमें कुछ नहीं बता सकते। अब हम क्या करें बालवीर? पता कैसे चलेगा हमें कि भारत नगर के लोग कहां पर हैं? आओ गालपरी, क्या खबर लाई हो? मेरा शक सही निकला, बालवीर ने गिरपड़े को पकड़ रखा था। क्या? इसका मतलब बालवीर ने गिरपड़े से अब तक सारा सच उगलवा लिया होगा? मतलब थोड़ी देर में वो काल लोक में आएगा, हम सब की दुर्गति कर देगा। मतलब शतरंज के खेल में अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो 10 कदम आगे की चाल का भी सोच कर रखता है। जैसे ही मुझे शक हुआ कि गिरपड़े हमारे लिए खतरा बन चुका है, मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया, और बालवीर से पहले ही मैंने उसके अंदर की सारी जानकारी मिटा दी। अब बालवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत खूब। विवान, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मस्ती परी के साथ मिलकर आखिरकार वो मार्ग ढूंढ लिया जिससे तिमनासा भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही थी। बहुत अच्छी, अब तुम यहाँ परियों के साथ वीर लोक में सुरक्षित रहो। मैं काल लोक जा रहा हूँ। पाटर, मुझे कब तक बच्चा समझोगे? तिमनासा ने मेरी मम्मी और मेरे दादाजी को गायब कर दिया है। जब मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या छुप जाऊँ? तुम समझ नहीं रहे हो विवान। क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं पाटर? हाँ, एक तरफ बोल दो कि मैं बालवीर हूँ, कन्या को बचाना मेरा फर्ज है, और दूसरी तरफ मुझे वीर लोक में छुपने को बोल रहे हो। अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे पाटर। तुमने क्या बोला, एक बार फिर से बोलो। एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर और नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसके बाद तुमने क्या बोला? अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे। दलदल? दलदल में तो अब तिमनासा फंसेगी। गालपरी का शक सही था तिमनासा, वो गिर पड़े। आप है ना थोड़ी देरी से आए, यहाँ गालपरी 10 साल चलने के बारे में बात कर रही है, और आप है वही पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, गालपरी ने गिरपड़े के दिमाग से सारी जानकारी साफ कर दी है। अब हमें गिरपड़े से कोई खतरा नहीं है, निश्चित रहिए। हाँ बेमार, गिरपड़े की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जाकर उस बालवीर को और विवान को यहाँ ले आओ काल लोक में। परियो, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है? याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिकर मत करो बालवीर,
हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर, ऑल द बेस्ट पार्टनर। बालवीर ने गिरपड़े को इसी जगह से पकड़ा था, वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने और वापस जरूर आएगा। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमर हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। अब खुद के बिछाए जाल में तो खुद फंसेगा भैमार।